सेकेंड डोज के लिए, इससे पहले भी गए थे तब हम अहमदाबाद में ही लगवाने के लिए गए थे सेंटर में, बुकिंग करके अपॉइंटमेंट लेके गए थे, बट वहाँ हमको 21 तारीख को बट वहाँ लगी नहीं हमको, क्योंकि कोवैक्सीन उस दिन थी नहीं, और उनका कहना था कि गलती से अपडेट हो गया था कोवैक्सीन कोविशील्ड की जगह, मतलब नाम गलत हो गया था। ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बहुत दूर से आते हैं, हम तो चलो फिर भी पास से ही गए थे, बट ऐसे बहुत सारे लोग थे जो वहाँ दूर दूर से आए थे, लेडीज़ भी आई थी, लड़कियाँ भी आई थी, फैमिलीज आई थी, तो क्या इससे दिक्कत होती है, ऐसी गलती पता नहीं कैसे हो जाती है। अभी फिर से अगेन हमको कोवैक्सीन का हमने ऑनलाइन हमने देखा, अपॉइंटमेंट लिया, और अभी हम उसी के लिए जा रहे हैं, अभी देखते हैं कि हमको लग पाती है कि नहीं, या वहाँ कोवैक्सीन मिलती है कि नहीं। उम्मीद तो है कि लग जाएगी, जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूँगी। एक्चुअली मैं कोवैक्सीन के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पेड में मिल रही है मगर फ्री में नहीं मिल रही है, तो मतलब कि मतलब ये है कि आपको कोवैक्सीन अगर लगवाना है तो आपको पैसे खर्च करने हैं, वो भी 1500 रुपये जितना, हाँ वो भी 1500 जितनी यहाँ पर कोवैक्सीन की चार्ज है एक डोज की। कोविशील्ड हर जगह मिल रही है, कोवैक्सीन के लिए प्रॉब्लम हो रही है, और जबकि ऐसा समय है कि लोग वैक्सीन, हम जैसे हम हैं, हम वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, कई लोग ऐसे हैं गांव के लोग या कई ऐसे हैं जिनके मन में वैक्सीन को लेके, वैक्सीनेशन को लेके गलत बातें, तो वो नहीं चाहते लगवाना, मगर जैसे हम जैसे भी काफ़ी लोग हैं जो लगवाना चाहते हैं, वहाँ सेंटर में भी उस दिन काफ़ी सारे लोग आए थे जिनको सेकेंड डोज लगवानी थी मगर वो लगवा नहीं सके, जिनका टाइम पीरियड अप हो रहा है क्योंकि कोवैक्सीन की 28 क्योंकि कोवैक्सीन की जो आपकी सेकेंड डोज का जो टाइमिंग है, कोवैक्सीन को आपको दोनों डोज के बीच का जो गैप है वो 28 to 40 days के अराउंड आपको मतलब लगवा लेनी है। अब हमारा भी टाइमिंग ये हो गया है क्योंकि हमने 10 मई को लगाया था, मैंने उस समय भी वीडियो अपलोड किया था, वो तो आप लोगों को भी पता होगा, मगर अभी हमको तो हमको खुद 42-43 days हो गए हैं, तो हम भी इसलिए चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमको लग जाए, ताकि कम से कम जो बोलते हैं कि सेकेंड डोज के बाद जो एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं या प्रोटेक्शन के लिए जो ज़रूरी है, तो हम भी चाहते हैं कि सेफ हो जाए, और सबसे मेन है कि सर्टिफिकेट हमको मिल जाए, क्योंकि सर्टिफिकेट इसलिए आपको ट्रैवल करने के लिए, फिर आपको क्या है कोई काम करने, आपको RT-PCR टेस्ट वगैरह ये सब आपको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप काम के लिए भी अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो ही आप शॉप्स खोल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट अभी कर रही है, तो इसलिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप में से भी कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है या आप सोच रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी लगवा लीजिए, सोचिए मत, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपके पास सर्टिफिकेट होना, तो वो ये ज़रूरी है, इसलिए आप वैक्सीनेशन वैसे भी ज़रूरी है कि कोविड टाइम है आप लगा लीजिए, आप सेफ रहेंगे। अभी देखिए हमने फर्स्ट डोज लगाई, उसके बाद हम ट्रैवल किए, हम वापस से यहाँ आए, हम सेफ हैं, तो और हम सेफ हैं तो घर के बाकी लोग भी सेफ हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ी ज़रूरी हैं अभी के समय में।
और जबकि अब थर्ड वेव आने वाली है तो फिर तो और जरूरी है कि हम प्रिकॉशन लें, सेफ रहें। जैसा बोला जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को ज़्यादा इससे बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो इसलिए भी हम बड़ों का फ़र्ज है कि बच्चों के लिए हम कम से कम अपने आप को सेफ कर लें। तो चलिए अब तो मैं अभी हम रास्ते में हैं अहमदाबाद से गांधीनगर। कितनी दूर होगा? 25-30 किलोमीटर है, मतलब टाइम आधा घंटा 30 मिनट्स के आसपास लगते हैं अगर ट्रैफिक ना हो तो। तो अभी तो हम रास्ते में हैं, अब हम वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच के मैं आप लोगों को आगे की अपडेट देती हूँ कि क्या होता है, हमको वैक्सीन लगती है नहीं लगती है या जो भी। चलिए फिर आगे वहाँ पहुंच के मैं वीडियो बनाती हूँ। हाय, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। फाइनली हमको मेरी फाइनल कोविड वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट आ गई है और ये एक जंग जीतने जैसा है कि हाँ हमने बहुत इंतजार किया। अलग स्टेट्स में लगाया? हाँ, वो छत्तीसगढ़ में लगाया। मेरा सर्टिफिकेट तो आ गया था कुछ दिन के बाद, मगर इनकी नहीं आई थी। तो इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो फिर ये हेल्थ सेंटर गए थे और इनको रिटर्न में सर्टिफिकेट मिला था। मेरा सर्टिफिकेट तो अब जब हम यहाँ आए हैं तो प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई, बस ये था कि मैंने यहाँ पर क्लियर उनको बता दिया कि मुझे सेकेंड डोज लगनी है, बट मेरा आरोग्य सेतु में अनवेरीफाइड आ रहा है और जब आप उसमें अपडेट करते हैं तो फर्स्ट डोज दिखा रहा है, जबकि मुझे सेकेंड डोज लगनी थी। तो इन्होंने फिर सिस्टम पे लेके गए, वहाँ इन्होंने अपडेट वगैरह किया, कुछ इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली, मोबाइल नंबर चेंज किया और फिर मेरा वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम छत्तीसगढ़ में लगाए हैं, वहाँ पर वहाँ के सर्टिफिकेट में वहाँ के सीएम की फ़ोटो है, उन्होंने कुछ बेनिफिशियरी आईडी में जो अल्फाबेट डाल के रखा है वो आरोग्य सेतु में नहीं ले रहा था, वेरीफाई नहीं हो रहा था। इन्होंने अब यहाँ पर अपने तरीके से इन्होंने अपडेट किया और फिर मेरी सेकेंड डोज दिखाने लगी और फिर फाइनली अब मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अब इनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि इनको लगी सेकेंड डोज है, बट इनका चूंकि इनको छत्तीसगढ़ में रिटर्न उन्होंने सर्टिफिकेट बना के दिया था, तो इनको फर्स्ट डोज की सर्टिफिकेट इनकी आई है ऑनलाइन, बट उन्होंने कहा है ये चीज़ कि जब आपको सेकेंड डोज की जो डेट है उसमें जब आप यहाँ आएंगे दोबारा तो हम लोग आपको अपडेट करके दे देंगे ये बात, मतलब आप वहाँ पर बताना कि मेरी सेकेंड डोज हो चुकी है बट सर्टिफिकेट मुझे फर्स्ट डोज का मिला था, तो उन्होंने कहा था कि आपको जो डेट है सेकेंड डोज की उस दिन आप आएंगे तो फिर अपडेट हो जाएगा, तो अब इनको भी मिल जाएगा। तो यही था, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। और अभी हम गांधीनगर से निकल गए हैं, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे, आज रेस्ट करेंगे और एक दो दिन तो थोड़ा सा घर पे ही रहेंगे, रेस्ट लेंगे, क्योंकि बोलते हैं ना कि थोड़ी बॉडी वीक हो जाती है तो
जरूरी है प्रिकॉशन लेना। और ये जो गांधीनगर है ये बहुत हरियाली भरा है, यहाँ बहुत ग्रीनरी है। आपको पता होगा कि गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। और यहाँ ये जो है छत्तीसगढ़ से भिलाई से स्पेशली अगर कोई यहाँ आता है तो उसको ये बिल्कुल सेम लगेगा, क्योंकि यहाँ भी ये सेक्टर वाइज ही बना हुआ है, जैसे सेक्टर 1, सेक्टर 2, अभी जहाँ हम आए थे सेक्टर 24। तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि हम भिलाई में ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ग्रीनरी है यहाँ, तो आपको वही एहसास होगा, बिल्कुल सेम वैसे ही इसको इसकी बसावट है। चलिए फिर ये आप लोगों